हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CITS या CTI 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फिटर, टर्नर, वेल्डर और मशीनिस्ट के लिए रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये जो टॉप 500 क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है, इसका ये पार्ट 10 रहने वाला है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक वीडियोस दे रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो पार्ट 9 जहां पर ख़त्म हुआ था, उससे आगे का जो प्रश्न है उसको हम इस पार्ट 10 में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इन सभी वीडियोज़ का अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है, जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और पूछा भी जाएगा। और ये तो कम से कम हुआ, यानी कि इससे ज़्यादा भी प्रश्न बन सकते हैं। 100% आपके यहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें वैसे वैसे टॉपिक्स को रखा गया है जहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछा ही जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख कर जाएँ, यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आपको NSTI में सेलेक्शन लेना है, इस पूरे सीरीज को जरूर देख लें। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 226। निम्नलिखित में से ऊष्मा उपचार का उद्देश्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कठोरता और तन्य शक्ति में वृद्धि करना। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो ऊष्मा उपचार का उद्देश्य कठोरता और तन्य शक्ति में वृद्धि करना है। ताप को नियंत्रित करके धातु के आवश्यक गुणों को बढ़ाने तथा आवश्यक गुणों को कम करने की प्रक्रिया को ऊष्मा उपचार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 227। स्टील में कितना कार्बन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.1 से 2% कार्बन होता है। किसमें? तो स्टील में। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो इस्पात मुख्यतः लोहा एवं कार्बन की मिश्र धातु होती है। कार्बन के अतिरिक्त मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन इत्यादि जैसे अनेक तत्वों को लोहा में मिश्रित करके विशिष्ट प्रकार के इस्पात किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्व को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिलिकॉन। अब आइए समझते हैं। तो स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कार्बन, मैग्नीज, निकल आदि को मिलाकर उसे अधिक संशोधित किया जाता है, जबकि उसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 229। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0% होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं।
तो जर्मन सिल्वर में तांबा यानी कि सीयू, जिसको सीयू से डिनोट करते हैं कॉपर, वो 50% होता है। जस्ता जिसको हम जेडन से लिखते हैं ये 35% होता है, तथा निकल जिसको हम एनआई से लिखते हैं वो 15% मिश्रित रहता है। यानी कि जर्मन सिल्वर में तांबा जस्ता निकल मिश्रित रहता है। जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा नहीं होती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 230। मिश्र धातु में किस पदार्थ का संयोग निष्कलंक इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील बनाने में नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मॉलिब्डेनम। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो निष्कलंक इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कार्बन, क्रोमियम व मैग्नीज का प्रयोग होता है। मोलिब्डेनम व अन्य महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों का प्रयोग पौधे जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। पौधे दीर्घ मात्रिक तत्व व सूक्ष्म मात्रिक तत्व के रूप में खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं। मोलिब्डेनम नाइट्रेट रिएक्शन एवं नाइट्रोजन के उपापचय में भाग लेता है। पोटेशियम जिसको हम के से लिखते हैं, मैग्नीशियम जिसको हम कैपिटल एम और एन से लिखते हैं, आयरन जिसको हम एफ ई से लिखते हैं, जिंक जिसको हम जेड एन से लिखते हैं, बोरोन जिसको बी से लिखते हैं, आदि खनिज भी पौधे के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 231। चूड़ी काटते समय सिंगल पॉइंट टूल जिस रास्ते पर चलता है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे हेलिक्स कहते हैं। अब आइए समझ लेते हैं। तो खराद मशीन पर चूड़ी काटते समय सिंगल पॉइंट टूल जिस रास्ते पर चलता है उसे हेलिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 232। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 233। लोडिंग शब्द किसके साथ संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ग्राइंडिंग व्हील के साथ संबंधित है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसके असंख्य कटिंग एज होते हैं। ग्राइंडिंग व्हील एब्रेसिव ग्रेस और बॉन्ड से मिलाकर बनाए जाते हैं। यदि ग्राइंडिंग व्हील में जॉब के कटे हुए कण भर जाते हैं जिससे ग्राइंडिंग व्हील कटाई नहीं करता है, इस दोष या स्थिति को लोडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 234। सिलिकॉन कार्बाइड की क्या विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सख्त एवं भंगुर, यह इसकी विशेषता है। अब आइए सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में समझते हैं। तो सिलिकॉन कार्बाइड के कण बहुत ही कठोर यानी कि हार्ड तथा भंगुर यानी कि ब्रिटल होते हैं, जिसके कारण इसका प्रयोग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुओं को ग्राइंड करने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 235। किस प्रकार के गियर सेट का उपयोग घूर्णी गति को रैखिक गति में तथा
इसके विपरीत परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रेक एंड पिनियन। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो रैक एवं पिनियन के द्वारा किसी वृत्तीय गति को रैखिक चालन में, यानी कि लीनियर मूवमेंट में बदला जा सकता है। जैसे लेथ मशीन का कैरेज बेड रैक एवं पिनियन की सहायता से ही रैखिक गति कर पाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 236। फास्ट और लूज पुल्ली प्रयोग करते समय जब वेट लूज पुल्ली पर चढ़ाई जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काउंटर शाफ्ट चलती नहीं है, वह मशीन बंद होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 237। विचलन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शून्य ऋणात्मक धनात्मक होता है विचलन। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, यानी कि विचलन के बारे में समझते हैं। तो जॉब के बेसिक साइज तथा एक्चुअल साइज के अंतर को विचलन कहते हैं। यह शून्य ऋणात्मक तथा धनात्मक हो सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238। जब किसी सतह पर अनेक विशेषताएं होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रफनेस। अब आइए फ्रेंड्स, जो रफनेस है इसके बारे में समझते हैं। तो किसी जॉब की सरफेस पर टूल के कटिंग एज से जो महीन विशेषताएं बनती है उन्हें रफनेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 239। ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? और ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फोर्जिंग। अब भाई फ्रेंड्स, एक तरफ चिन्ह दिया गया है और दूसरी तरफ प्रदर्शित उसका कार्य दिया गया है, इन सभी के बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चिन्ह जो दिया गया है इसका जो कार्य है वो फोर्जिंग को दर्शाता है। ये जो है लंबवत ले के लिए, इस चिन्ह का मतलब होता है क्रॉस में बनी ले के लिए, इसका मतलब सेंटर से संबंधित गोलाई में ले की दिशा के लिए, इसका मतलब होता है समानांतर ले के लिए, इस वाले चिन्ह का मतलब होता है सेंटर में त्रिज्यीय संबंधित ले के लिए, और इसका मतलब होता है अधिक दिशा में बनी ले के लिए। जितने भी सारे चिन्ह दिए गए सभी इम्पॉर्टेंट हैं। एग्जाम्स में चिन्ह का ये जो है ऐसे देकर पूछा जाता है कि इसका कार्य आपको बताना है कि ये किसको प्रदर्शित करता है। ओके फ्रेंड्स, तो लंबवत ले के लिए प्रदर्शित करता है, ऐसे पूछा जाता है, इसीलिए आपको इसे आप अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240। पी अंतराल की वर्गाकार चूड़ी की चौड़ाई होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0.50 पीच होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 241। पेट्रोलियम रिफाइनरी व विस्फोटक पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रियों में हैंड ड्रिल प्रयोग की जाती है, यानी कौन से हैंड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि न्यूमेटिक हैंड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी व विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए फैक्ट्रियों में न्यूमेटिक हैंड ड्रिल प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242। नंबर साइज ड्रिल कितने से कितने नंबर में मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 से 80। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो नंबर साइज के ड्रिल 1 से 80 के नंबर में मिलते हैं,
जिनमें 80 नंबर साइज का ड्रिल सबसे कम व्यास जैसे कि 0.0135 इंच तथा नंबर वन का सबसे बड़ा यह सबसे अधिक व्यास जैसे कि 0.228 इंच का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 243। लैपिंग प्लेट पर किसके लिए ग्रुप्स बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लैपिंग पेस्ट धारण करने के लिए। लैपिंग प्लेट पर लैपिंग पेस्ट धारण करने के लिए ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिससे एब्रेसिव चिपक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 244। वैट लैपिंग की अपेक्षा डाई लैपिंग में फिनिशिंग होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अच्छी फिनिशिंग होती है। वैट लैपिंग की अपेक्षा डाई लैपिंग में अच्छी फिनिशिंग प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 245। लैपिंग क्रिया में एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का उपयोग या प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नॉन फेरस मेटल के लिए किया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो लैपिंग क्रिया में एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का प्रयोग नॉन फेरस मेटल के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड के एब्रेसिव वाले लैप्स धातु को धीरे धीरे काटते हैं तथा उच्च फिनिश प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 246। सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का प्रयोग की लैपिंग के लिए करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हार्ड स्टील की लैपिंग के लिए करते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का प्रयोग हार्ड स्टील की लैपिंग के लिए करते हैं। ये फेरस मेटल यानी कि लोहा धातु में प्रयोग किए जाते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड वाले लैप अधिक धातु काटते हैं वह इनके द्वारा रफ सतह प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 247। कास्ट आयरन की लैपिंग के लिए एब्रेसिव प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। अब आइए फ्रेंड्स सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में समझते हैं। तो यह बहुत ही कठोर एब्रेसिव होता है। इसके ग्रेन बहुत तेज और भंगुर होते हैं। इसका प्रयोग हार्ड स्टील और कास्ट आयरन की लैपिंग के लिए करते हैं। इसके द्वारा भारी मात्रा में धातु को हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 248। टैप निम्न में से किस धातु के बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। अब आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो टैप हाई कार्बन स्टील धातु के बनाए जाते हैं। इसे साधारणतः कठोर धातु का बनाया जाता है जिससे टैप के फ्लूट्स जल्दी खराब ना हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 249। लेड के बने लैप का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सुराखों की लैपिंग के लिए करते हैं। लेड के बने लैप का उपयोग या प्रयोग सुराखों यानी कि होल की लैपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, ये फिर करते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 250। किस विधि द्वारा एक बेलनाकार सतह की
चमकदार फिनिशिंग की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लैपिंग। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो लैपिंग विधि द्वारा एक बेलनाकार सतह की चमकदार फिनिशिंग प्राप्त की जाती है। लैपिंग अलाउंस 0.005 mm से 0.01 mm तक रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको फ्री PDF चाहिए, फ्री PDF, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि 5 से 6 प्रश्न तो पक्के आपके 100% आपके यहीं से पूछे ही जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसीलिए इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूले, एग्जाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।